हेलो दोस्तों, स्वागत है पावर प्लांट के एक और वीडियो के अंदर। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एचपी बाईपास और एलपी बाईपास को कैसे चार्ज करते हैं उसके बारे में। हम पढ़ रहे हैं थर्मल पावर प्लांट का लाइट अप प्रोसीजर, ठीक है। और उसके अंदर हम पहले से हमने बॉयलर लाइट अप और जो हमारी टर्बाइन सीलिंग और टर्बाइन वैक्यूम तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा एलपी बाईपास चार्ज करने का, और उसके बाद में हम करेंगे एचपी बाईपास चार्ज, ठीक है। तो एलपी और एचपी बाईपास एक्चुअल में क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं तो ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा बॉयलर लाइट अप करते हैं हम इनिशियल स्टेज पर, तो उस समय बॉयलर के अंदर तो टेम्परेचर और प्रेशर आ जाते हैं, लेकिन बॉयलर से लेकर टर्बाइन एंड तक की हमारी जो लाइन है वो क्योंकि शट डाउन में वो ठंडी हो जाती है, तो हमारी टर्बाइन के इनलेट पे जो हमारे स्टोप वाल्व लगे रहते हैं उन स्टोप वाल्व तक हमारे को ये जो बॉयलर के अंदर जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो लेके जाना होता है। उसके लिए हमारे को ये टेम्परेचर जो बॉयलर पे है उसको टर्बाइन एंड पे लेके जाने के लिए हम उस लाइन में हम स्टीम का फ्लो कराते हैं। उस स्टीम का फ्लो रेगुलर स्टीम का फ्लो हम कराते रहते हैं तब तक कि वो टेम्परेचर हमारे जो आईपी टर्बाइन या एचपी टर्बाइन है उसके इनलेट पे मतलब पर्टिकुलर एक टेम्परेचर प्रेशर वहां तक नहीं पहुंचाए। और ये प्रेशर और टेम्परेचर डिसाइड होता है जो शाफ्ट की और केसिंग के जो टेम्परेचर रहते हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये रहता है कि आपका एचपी टर्बाइन में कितना टेम्परेचर डालना है आपको। तो ये आपका एचपी टर्बाइन की शाफ्ट और उसकी ब्लेड के जो टेम्परेचर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो जब आप इनिशियल स्टेज में बॉयलर लाइट अप कर रहे हो तो आपके पास में जो एमएस लाइन है उस एमएस लाइन को स्टोव बोल तक आई, ये जैसे एचपी टर्बाइन है तो यहाँ पे स्टोव बोल लगे रहते हैं, इस स्टोव बोल तक आपको लेके जाना है। दोनों तरफ स्टोव बोल लगे रहते हैं, यहाँ दोनों तरफ स्टोव बोल तक लेकर गए, ये जैसे आपकी एमएस लाइन है इस एमएस लाइन को आप यहाँ तक लेके गए, और इसके बाद में स्टोव बोल से जस्ट पहले आपने फिर से इसको सीआरएच लाइन में डाल दिया, ठीक है। और इसी को हम कहेंगे बाईपास। ये हो गया आपका एचपी बाईपास, ठीक है। ये आपका एचपी बाईपास सिस्टम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एचपी टर्बाइन को बाईपास किया और स्टीम को सीधा जो हमारे स्टोव बॉल है वहां से आपने सीधा सीआरएच लाइन में डाल दिया। सीआरएच लाइन होती है कोल्ड रीहीट लाइन होती है, जब आपका एचपी टर्बाइन वर्क डन होता है उसके बाद जो स्टीम बचती है वो स्टीम निकलती है एचपी टर्बाइन से वो फिर सीआरएच लाइन में जाती है, और सीआरएच लाइन से वो रीहीटर में जाएगी, वहां से फिर से टेम्परेचर गेन करने के बाद में ये अपना रीहीटर है इसमें टेम्परेचर गेन करने के बाद में ये हमारी लाइन जाती है, ये जाती है आईपी टर्बाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी दो स्टोव बोल लगे रहते हैं, ये यहाँ पे एक स्टोव बोल एक यहाँ पे स्टोव बोल लगा रहेगा, दो कंट्रोल बोल लगे रहेंगे। इस स्टोव बोल से जस्ट पहले एक लाइन निकलेगी जो कि सीधा कंडेंसर में जाएगी, जो या एलपी टर्बाइन का जो एग्जॉस्ट हुड है यहां जाकर इसके नीचे जाकर मिलेगी जस्ट नीचे, यहां से भी आपकी एक लाइन निकलेगी जिनका ये आके यहां मिल गई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एलपी बाईपास। तो ये तो हो गया हमारा सिस्टम की एलपी बाईपास और एचपी बाईपास कैसे काम करते हैं। आइए इनको एक बार समझ लेते हैं थ्योरेटिकली। तो आज हम थर्मल पावर प्लांट का लाइट अप प्रोसीजर है, इसकी अगली वीडियो ये है हमारी जिसमें हम टर्बाइन बाईपास चार्जिंग सीख रहे हैं कि टर्बाइन को बाईपास कैसे किया जाता है। हमारे पास में यहाँ पे दो टाइप के टर्बाइन है, वैसे तीन टर्बाइन लगे होते हैं, एक एचपी टर्बाइन, एक आईपी और एक एलपी टर्बाइन। लेकिन जो एचपी टर्बाइन है वो तो हाई प्रेशर टर्बाइन हो गया हमारा, लेकिन जो लो प्रेशर टर्बाइन है हम आईपी और जो हमारा एलपी टर्बाइन है इन दोनों को हम कंबाइंड लो प्रेशर टर्बाइन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इनको बाईपास कैसे करते हैं, इनको बाईपास जैसे आपका यहाँ पे ये बॉयलर है, ठीक है, इस बॉयलर से एक एमएस लाइन आ रही है, ये एमएस लाइन आ रही है जो आपकी एचपी टर्बाइन में जा रही है, इससे एचपी टर्बाइन में वर्क डन करने के बाद में सीआरएच में जाएगी। लेकिन अगर आपके यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इस एचपी टर्बाइन के अंदर जाने के लिए जो पैरामीटर है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं
तो इसका मतलब आपको यहाँ से ये स्टीम है वो सीधी आपको सीआरएस लाइन में यहाँ ले जाके डाल देनी है, और ये अगेन फिर यहाँ पे आपका एक रीहीटर लगा रहता है, रीहीटर लगा रहता है जिसमें ये सीआरएस लाइन यहाँ से निकल कर ये रीहीटर में चली जाती है। रीहीटर में टेम्परेचर गेन करने के बाद में ये फिर से आपकी आईपी टर्बाइन के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो आप इसको सीआरएच लाइन में, ये एचपी टर्बाइन बाईपास क्यों करा रहे हैं, ये टर्बाइन आप बाईपास क्यों करा रहे हैं, ये टर्बाइन आप इसलिए बाईपास करा रहे हैं, अगर आप कम टेम्परेचर और प्रेशर की स्टीम अगर एचपी टर्बाइन में डाल देंगे तो इसका एचपी टर्बाइन के अंदर ही कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और उस कंडेंसेशन की वजह से आपकी रोटेटिंग ब्लेड्स रहती है वो इतनी हाई स्पीड पे रहती है कि वो ब्लेड डैमेज हो जाएगी और वो ब्लेड टूट भी सकती है, ठीक है। और ये हमारा हो गया एचपी बाईपास की लाइन, ठीक है। और इसके बाद में ये सीआरएच में गई, फिर रीहीटर में गई, और फिर अगेन एचआरएच हॉट रीहीट लाइन बन के, हॉट रीहीट लाइन बन के ये फिर से हमारी आईपी टर्बाइन के इनलेट पे जाती है। यहां से आपका जो आईपी टर्बाइन का इनलेट है जो यहाँ पे स्टोप वॉल लगा रहता है, इस स्टोप वॉल से आप फिर एक बाईपास की लाइन लेंगे जो कि आपकी सीधी जाएगी, वो जाएगी टर्बाइन एलपी टर्बाइन के एग्जॉस्ट हुड के जस्ट नीचे, ठीक है। और ये कहने का मतलब आपकी कंडेंसर में चली जाएगी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप यहाँ पे एचपी बाईपास से एक लाइन लेके अगर आपका एमएस के टेम्परेचर आप अगर सीआरएच में डाल रहे हो तो ये सीआरएच रीहीटर में जाएगी जहां पे फिर से टेम्परेचर गेन कर लेगी, तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और रीहीटर प्रोटेक्शन पे बॉयलर ट्रिप हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्प्रे स्प्रे डालेंगे, और ये स्प्रे कहां से आएगा, बीएफपी से, हमारा बॉयलर फीड पंप है वहां से हम एक वाटर की लाइन लेंगे और यहाँ पे स्प्रे कर देंगे ताकि हमारी सीआरएच जो लाइन है उसके टेम्परेचर हाई नहीं जाए, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर आपने जो ये एलपी बाईपास है, ये एलपी बाईपास में भी आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप एक स्प्रे जोड़ेंगे, और ये हमारा स्प्रे होगा वो सीपी से होगा क्योंकि यहाँ पर आपको कंडेंसर के जो वाल वाल टेम्परेचर है वो आपको लगभग 40 से 50 डिग्री के आसपास रखने होते हैं, मैक्सिमम 90 डिग्री पे ट्रिपिंग है वैसे तो, लेकिन आपको 40 से 50 या 60 डिग्री रखने होते हैं, और वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप सीईपी से वाटर लेंगे क्योंकि सीईपी का वाटर लगभग 40 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एक्चुअल में आपको बाईपास चार्ज कैसे करना है। तो सबसे पहले जो बाईपास चार्ज करेंगे, जो पहले बाईपास चार्ज करेंगे वो करेंगे हमारा एलपी बाईपास चार्ज। तो ये है हमारा एलपी बाईपास का सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो ही चीज ध्यान में रखनी है, एक तो स्प्रे का, ये यहाँ पर स्प्रे लाइन है, जैसे ये दो आपकी स्प्रे के वाल लगे रहते हैं और इनका काम है ये जो कंडेंसर पे इनलेट पे जो आपकी बाईपास स्टीम आ रही है, जो एचआरएच लाइन से जो स्टीम आईपी और एलपी को बाईपास करने के बाद यहाँ आ रही है, ये इनके कंट्रोल वाल लगे हुए हैं, और इस कंट्रोल वाल के थ्रू ये जो स्टीम अंदर जा रही है इस स्टीम में आपका वाटर स्प्रे करना है, ठीक है। तो ये सीपी से आएगा, आपका सीपी पंप से आएगा, तो इसका आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि ये आपका पानी जो सीपी से वाटर आ रहा है कूलिंग के लिए, ये स्प्रे के लिए ये अवेलेबल हो, और दूसरी चीज जैसे आप इस बाईपास को चार्ज करेंगे तो आपको कंडेंसर वाल के टेम्परेचर देखने हैं, ठीक है। और इस बाईपास को चार्ज कैसे करेंगे, आपके पास में ये कंट्रोल वाल्व है, इनको आप ओपन कर देंगे, और ये ओपन जैसे यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है इस सिस्टम को आप मैनुअल लेके ओपन कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एलपी बाईपास को चार्ज करने का सिस्टम। और अब आ जाते हैं हम हमारे जो एचपी बाईपास को चार्ज करने के सिस्टम पर, जो कि थोड़ा सा इससे क्रिटिकल है, और उसको समझने के लिए हम एक और स्लाइड लेते हैं। ये है हमारा एचपी बाईपास का सिस्टम। ये एचपी बाईपास का सिस्टम है, इसमें क्या है कि ये तो है हमारी एमएस की लाइन, ठीक है, दो एमएस की लाइन आ रही है, यहाँ आपके टर्बाइन के स्ट्रोक वॉल लगे रहेंगे, और इन स्ट्रोक वॉल से जस्ट पहले आपकी बाईपास लाइन आ गई, ठीक है। ये बाईपास लाइन है, इस बाईपास को आपको चार्ज करना है तो आपके लिए सबसे पहले तो स्प्रे के लिए वाटर अवेलेबल होना चाहिए, जो कि ये स्प्रे के लिए
जो आपका एक वाल लगा हुआ है ये बीएफपी से स्प्रे आ रहा है बॉयलर फीड पंप से, ठीक है। ये आप इसको खोल देंगे, इसके बाद में आप इसको बाईपास को कमांड देंगे और ये बीपीवी वन और बीपीवी टू दो लाइनों के बाईपास हैं, इन दोनों को कमांड देके धीरे धीरे बढ़ाएंगे और ये जो कोल्ड रीहीट लाइन है ये सीआरएच लाइन के अंदर जाके ये मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके दो स्प्रे के वाल भी लगे रहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक तो ये स्प्रे का वाल है, एक ये स्प्रे का वाल है। ये टेम्परेचर देखेगा, अगर आपकी डाउन स्ट्रीम का टेम्परेचर अगर 300 डिग्री से ज्यादा या आप सेट पॉइंट के हिसाब से देख रहे हैं या 320 डिग्री के लगभग हम मेंटेन करते हैं, इससे अगर ये ज्यादा जाएगा तो ये जो हमारे स्प्रे हैं ये खुल जाएंगे और ये सीआरएच के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। तो ये हमारा बाईपास का सिस्टम पूरा हुआ। तो अब अगली वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा टर्बाइन के स्टॉप वाल्व को कैसे खोलते हैं, या इसके बाद में हम जो मिल लेते हैं बॉयलर के अंदर। एक बार जैसे आपने ये यहाँ तक तो बाईपास चार्ज कर लिए, लेकिन इसके बाद में आपको बॉयलर के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर की, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है टर्बाइन की रोलिंग के लिए और रोलिंग के बाद में सिंक करने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हो सकता है कि जो हमारी मिल है वो कैसे हम सर्विस में लेते हैं वो हम पढ़ेंगे, कोल मिल को सर्विस में कैसे लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।